मुफ्ती अंसारी इस वक्त आगे चल रहे हैं। सुहाग टांडा सीट से इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देखिए 622 वोट से पहले राउंड में सुहाग टांडा विधानसभा से सबसे बड़ा अपडेट, यहां पर उपचुनाव हो रहा है। और ये देखिए अपना दल एसके जो प्रत्याशी है शफीक अंसारी इस वक्त आगे चल रही है, आगे चल रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता ओमपाल जुड़ गए हैं। ओमपाल, क्या अपडेट सामने आ रहा है? उपचुनाव को लेकर मतगणना जारी है, यहाँ पर अपना दल एसके जो प्रत्याशी है शफीक अंसारी, उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। गिनती हुई तो वहां पर भी शफीक अंसारी ने अपनी बढ़त बनाई और उसके बाद जैसे ही ईवीएम्स ने वोट उगलना शुरू किए हैं तो यहां पर पहले राउंड में ही जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं शफीक अंसारी वो 622 वोट से आगे हैं। 3003 वोट समाजवादी पार्टी को मिले जबकि 3625 वोट एनडीए के प्रत्याशी को मिले। देखिए उपाध्यक्ष, जिस प्रकार से यहाँ पर आजम खां की भी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। अब्दुल्ला आजम सुहाग टांडा विधानसभा से विधायक थे, उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में अब अपना दल के जो प्रत्याशी है वो आगे चल रही है। एक स्ट्रेटेजी जो है वो उसमें अपनाई गई थी जहां भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम वो प्रत्याशी उतारे थे, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने हिंदू प्रत्याशी उतारे थे, ये दांव कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार तो अब है नहीं, ऐसे में वोटर काफी जागरूक हो गए हैं। मैंने लोकसभा चुनाव में देखा, विधानसभा चुनाव में और अभी उपचुनाव जो सुहाग टांडा पर हुए हैं, लोग जो है, जनता जो है वो बदलाव चाहती है। उसे पता है कि लंबे समय तक अभी कोई सरकार आने वाली नहीं है। आजम खान करेंगे क्या? खुद अपना वोट नहीं बचा पाए, अपनी सीट नहीं बचा पाए, बेटी की सीट नहीं बचा पाए, तो तमाम सारी चीजें हैं। वोटर बहुत जागरूक हो गया है और वो चाहता है कि अगर सत्ता के साथ हम आते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा बदलाव हो जाए, क्योंकि सुहाग विधानसभा सीट में बहुत सारी ऐसी पगडंडी है, बहुत सारे पुल है, बहुत सारी चीजों को बदलाव की बयार चली और उन सब चीजों पर अब साफ हो जाएगा कि यहाँ पर आजम खान का जादू, आजम खान का जो इमोशनल कार्ड था वो चला नहीं चला। जगह जगह जाकर के उन्होंने पांव पांव यात्राएं की, शहर में, गलियों में, जनसभाओं में अपना दुखड़ा जो रोया था उस रोने का कुछ असर, उनके आंसुओं का असर वोटरों में, ये मत जो मतदान हुआ था, अब जो ईवीएम से वोट निकले जा रहे हैं इससे साफ हो जाएगा कि आजम खान की। ओमपाल, नजर बनाकर रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुहाग टांडा विधानसभा सीट, यहाँ पर जो मतगणना है वो लगातार चल रही है, उपचुनाव, और यहाँ पर अपना दल एस के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। शफीक अंसारी को अपना दल एस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी का समर्थन अपना दल एस को मिला हुआ है। और गठबंधन का ये जो प्रत्याशी कहा जाए, अपना दल एस को बाहर से गठबंधन जो समर्थन है वो बीजेपी का मिला हुआ है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे प्रचार करने के लिए। तो ये आप इस वक्त देखिए उसका जो कहा जाए कि जो रुझान है वो भी देखने को मिलता है। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ी भूमिका है इनकी निकाय चुनाव को लेकर, वो चाहे मतदान को लेकर हो चाहे मतगणना को लेकर हो, हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्यपाल गंगवार जी, आप तो ग्राउंड लेवल पर नजर आए और मुझे लगता है जमीन पर भी बैठे नजर आए, आज लग रहा है आपको कि क्या तस्वीर निकल कर सामने आएगी? लखनऊ में नगर निगम की मतगणना का काम यहाँ रमाबाई स्थल में चल रहा है। यहाँ 8 जोन्स में 110 वार्डों की काउंटिंग हो रही है। बैलेट पेपर्स की काउंटिंग पैरेलली चल रही है और ईवीएम्स की काउंटिंग हर एक टेबल पर सुचारू रूप से चल रही है। सारे जो बंदोबस्त हैं इंक्लूडिंग सुरक्षा व्यवस्था, वो सभी दुरुस्त है और मतगणना कार्मिक और जो एजेंट्स हैं, काउंटिंग एजेंट्स हैं, वो सब अपना अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। कहना ये है कि अंदर जो है गर्मी जैसी बात उन्होंने बताई है उसको लेकर सर, यहाँ पर सभी कमरों में एसी का इंतज़ाम किया गया है। अब गर्मी चूंकि नेचुरली बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा तो लग रहा है, लेकिन जितनी भी बढ़िया व्यवस्था हो सकती थी वो यहाँ करने की कोशिश की गई है। कुछ कमरों में जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं वहाँ पर अभी थोड़ा गर्मी लग रही है, लेकिन उसको भी हम दिखवा रहे हैं। जो मतगणना का दिन है वो पूर्ण रूप से पारदर्शी होगा और सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो संतुष्ट नजर आई? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश मिश्रा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। अम्बेडकर नगर में 3 नगर पालिका और 4 नगर। जयपुर से खबर, 96 विधानसभा सीट से यह अपडेट सामने आ रही है। सपा की कीर्ति कोल इस वक्त आगे चल रही है। पहले राउंड में सपा की प्रत्याशी को पहले राउंड में 2620 मत मिले हैं।
अपना दल एस की रिंकी कोल को 1846 मत मिले हैं। 96 विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है, अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, 96 विधानसभा सीट पर सपा जो है वो आगे चल रही है। अपना दल एस की रिंकी कोल को 1846 मत मिले हैं मिर्जापुर 96 विधानसभा उपचुनाव में, सपा आगे है। ताजा अपडेट, बड़ी अपडेट, पहले राउंड की गणना में सपा की कीर्ति कोल जो है वो आगे, वही सपा प्रत्याशी। त्रिष्णा देखिए, कम से कम 800 वोट जो है वो इस वक्त 800 वोट की बढ़त जो है वो सपा प्रत्याशी इस वक्त 96 विधानसभा उपचुनाव में बनाए हुए हैं। मिर्जापुर से ये अपडेट सामने आ रही है, पहले राउंड की मतगणना, और इसमें सपा की कीर्ति कोल जो है वो इस वक्त आगे चल रही है। अपने दल एस की रिंकी कोल को 1846 मत मिले हैं। पवन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पवन, पहले राउंड की मतगणना के बाद लगभग 800 वोट अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है, क्या कुछ अपडेट इस वक्त लेटेस्ट सामने आ रही है? पवन, क्या आपको आवाज आ रही है? ठीक है, पवन से बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि देखिए मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव है उसकी जो मतगणना है वो शुरू हो गई है। पहले राउंड के जो आंकड़े हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। अपना दल एस की रिंकी कोल को 1846 वोट मिले हैं, तो वहीं पर 2620 वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको मिले हुए हैं। अम्बेडकर नगर में 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों में निकाय चुनाव की मतगणना चल रही है। हमारे साथ मौजूद है अम्बेडकर नगर डीएम अमजाद सिंह, इनसे जानेंगे कि आखिर सर आज मतगणना हो रही है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जनपद अंबेडकर नगर में नगर निकाय निर्वाचन 2023 के कर रही है, कह रही है कि हमारी सीट जो है वो निकल रही है। वो तो रिजल्ट बता देंगे, रिजल्ट बता देंगे, और आप लोग खुद भी मैदान में आप देख रहे हैं, हर जोन के मतगणना जो चल रही है उसमें भी दिखा रही है सपा की बढ़त। आरोप भी लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं पर समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको बिखराने का काम किया, आप कैसे देखती? मैं भी ऐसे ही देख रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त ढंग से ये काम किया गया। आप देखिए कि हमेशा हर बार जब भी चुनाव होते हैं तो दो चार नाम गायब होते हैं वोटर लिस्ट से, तो ऐसे शिकायतें रहती, लेकिन इस बार जिस तरह से मास स्केल पर वोटर्स के नाम गायब किए गए तो ये कोई ठीक बात तो नहीं थी लोकतंत्र के लिए। हमारा वोटर कितना परेशान हुआ, फिर उसके बूथ बदल दिए गए, यानी कि जहाँ उसका बूथ है वहाँ से दूसरे बूथ भेजा गया, वहाँ से तीसरे बूथ भेजा गया, वहाँ चौथे बूथ, फिर पहले से कोई इस तरह की बात नहीं बताई गई कि मोबाइल लेके नहीं आना है, मोबाइल लेके जो हमारे वोटर्स पहुँचे वो सब वापस कर दिए गए, तो तमाम तरह से हमारे वोटर्स को डिस्करेज किया गया, विच वॉज वेरी डिस्करेजिंग, विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, विच वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। काउंटिंग चल रही है, सेटिस्फाई है लग रहा है आपको? नहीं, सेटिस्फाइड तो मैं नहीं हूँ। स्मार्ट सिटी की इतनी बात हो रही थी, अरे कम से कम एक डिजिटल वो आना चाहिए था कि एक जो एक राउंड पूरा हुआ उसका डिजिटल आ जाता कि भाई सपा को इतने वोट हैं, भाजपा को इतने हैं, आपको इतने हैं, कांग्रेस को इतने, कुछ तो होता, कुछ भी नहीं है, वो मौखिक बोला जा रहा है। इतनी भीड़ है, हर कमरे में इतनी भीड़ है कि आपको पहले से पासेज आपने इशू करे है ना, सरकार की तरफ से पासेज इशू हुए, आपको पता है कितने लोग कल आने हैं, उसके बावजूद इतनी बैठने की व्यवस्था है प्रॉपर, ना हवा मिल रही है वहाँ, ना बैठने की प्रॉपर व्यवस्था है। जिस हालात में वहाँ के लोग काम कर रहे हैं मतगणना करने वाले लोग, वो ही समझ सकते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी वंदना जी हैं, और उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ों पर दिक्कत हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार अपनी बढ़त बना रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश मिश्रा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।